गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें कल हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जा सकता है या रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से गुण होते हैं, कल ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में कोई अभिक्रिया होगी, उनके आबंध टूटेंगे, फिर नए आबंधों का निर्माण होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या उसके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये कह दूँ कि जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। देखो, इतनी बड़ी बात को, ये अभिक्रिया इन जो मैंने बोला ये अभिक्रिया में होगा, लेकिन इतनी बड़ी बात को हम छोटा करके लिख सकते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे उसने कहा था कि जिंक, एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब में जिंक धातु को डालो। जिंक धातु छोटे पीसीस के रूप में, छोटे छोटे से टुकड़े मिलते हैं, लैब में होते हैं, उनको इसमें डाल दिया। इसमें ऊपर से डाइल्यूट HCl डाल दिया। डाइल्यूट का मतलब होता है जो कंसंट्रेटेड नहीं है, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र नहीं है, जिसकी क्षमता कम है, पावर जिसमें। देखो, एसिड होता है तेजाब, एक तेजाब होता है इतना पावरफुल जो हाथ पे अगर गिर जाए तो हाथ को जला देगा, लेकिन हम उसकी क्षमता को थोड़ा कम कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट अम्ल। तो इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे ऊपर से, तो दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। तो हमने क्या क्या लिया उसमें, अगर हम इसको साधारण शब्दों में लिखे तो हमने क्या क्या लिया, हमने लिया एक जिंक धातु ली और उसमें हमने मिलाया, क्या मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये लिख दिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब उसमें कुछ बना, क्या बना, जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये चीजें हुई उसमें, अभिक्रिया से पहले जो हमने डाला था और अभिक्रिया के बाद जो बना। अभिक्रिया में हमने डाला जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कल भी मैंने बताया था, जिनके बीच में अभिक्रिया होती है उनको बोलते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद, और इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। तो ये जो मैंने चीज लिख दी है, जो एक तो अभिक्रिया मैंने बोली कि जिंक ने अभिक्रिया की है, जिंक क्लोराइड बनता है, ये सारी चीज बोलने की बजाय हमने उनको एक लाइन से निरूपित कर दिया, दिखा दिया, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। देखो, ये सब समीकरण है, हमने सिर्फ शब्द लिखे, अभी जिंक लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिया, जिंक क्लोराइड लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दी, ये तो शब्द लिखे अभी, तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। लेकिन हम शब्द समीकरण को और भी छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम शब्दों की बजाय उनके प्रतीकों का प्रयोग करें, प्रतीकों का या सूत्र का प्रयोग करें। रासायनिक समीकरण की परिभाषा में मैंने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपित करना या दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो शब्द समीकरण, अगर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, देखो शब्द लिखे हमने, तो शब्द समीकरण है। अब हम इसको और छोटा करके लिख सकते हैं, कैसे, अगर हम इनमें शब्दों की बजाय इनके प्रतीकों का प्रयोग करें। प्रतीक कौन से, जैसे जिंक को हम दिखाते हैं ZN, तो ZN लिख दिया हमने, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, ये लिख दिया हमने। जो इस साइड लिखे जाते हैं, जिनके बीच में अभिक्रिया होती है, उनको अभिकारक कहते हैं, और जितने अभिकारक होंगे उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा जाएगा। क्यों प्लस का चिन्ह लगा जाएगा, क्योंकि उनके बीच में वो आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो इनके बीच में अभिक्रिया होगी। तो जितने भी अभिकारक लिखे जाएंगे उन सब के बीच में प्लस का निशान लगा जाएगा, हो सकता है और तीसरा अभिकारक इनके साथ जुड़ जाए तो उसके साथ भी प्लस का साइन लगा जाएगा। तो जिंक
जिंक का प्रतीक है Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl, तीर का निशान ये दिखाता है कि इस साइड से इन चीजों के बीच में अभिक्रिया हुई है और अभिक्रिया के बाद यहाँ पे जो चीज बनेगी, तीर के निशान की डायरेक्शन, तीर का निशान हमें दिखाता है कि इससे इस साइड चीज बनी है। तो क्या बना? जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये जिंक क्लोराइड का सूत्र है, और हाइड्रोजन H2, ठीक है। तो देखो इस सब समीकरण को मैंने प्रतीकों से निरूपित कर दिया, प्रतीक या सूत्र द्वारा। ये जिंक का प्रतीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो प्रतीक और सूत्र द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करना या दिखाना, वो है रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई। दूसरे शब्दों में हम कहें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सरल करके लिखना, वो भी रासायनिक समीकरण होता है। अब रासायनिक समीकरण दो तरह के हुई, एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होती है संतुलित, दो तरह के रासायनिक समीकरण बता दी मैंने, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में दिए गए तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। क्या कहा मैंने? जिसमें अभिकारक और उत्पाद, देखो इस साइड जो लिखे जाएंगे, जैसे जिंक, मैंने लिख दिया जिंक, अभी अभिक्रिया करके दिखाई मैंने जिंक और HCl, ये आगे अभिकारक बने क्या उत्पाद ZnCl2+H2, ये बनता है। उसने कहा असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों में तत्व समान नहीं होते, उनकी संख्या समान नहीं होते। कहने का मतलब क्या है? जो अभिकारक है इनमें कोई तत्व है, जैसे जिंक, जिंक कोई तत्व है, इसमें अभिकारकों में जिंक की जो संख्या होगी, जिंक के तत्वों की जो संख्या होगी, उनकी संख्या इस साइड जो होंगे जिंक के तत्व वो बराबर नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है जिंक बराबर हो लेकिन क्लोरीन बराबर ना हो, मतलब सारे बराबर होने चाहिए, अगर कोई भी बराबर नहीं होगा तो वो अभिक्रिया असंतुलित कहलाएगी। जैसे जिंक इसमें एक है, यहाँ जिंक एक है, जिंक तो बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु है, तो ये तो संतुलित नहीं है। उसने कहा अभिकारकों में जितने भी तत्वों के परमाणु हैं उनकी संख्या उत्पादों में जितने तत्वों के परमाणु हैं उनकी संख्या के बराबर होने चाहिए, कुल संख्या के, मतलब कुल मिला के अभिकारकों में कुल मिला के जितने परमाणु हैं किसी तत्व के, उतने ही परमाणु उत्पादों में कुल मिला के होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एक है, इधर दो है, तो संतुलित नहीं है। क्लोरीन की बात करें, इधर एक है, इधर दो है, यह भी संतुलित नहीं है। जब कुल मिला के क्लोरीन इस साइड अभिकारक में और उत्पादों में बराबर हो जाएगी तो तब हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो संतुलित में क्या होगा? ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारकों में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो मैंने कहा किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या, कोई भी तत्व, जैसे इसी में देख लो, ये उदाहरण हमने ले लिया जिंक प्लस HCl ZnCl2+H2। कोई तत्व के परमाणु, देखो जिंक एक तत्व है, इसके कितने परमाणु है, हो सकता है 2 लिखा हुआ आगे, तो इसके दो परमाणु हो गए यहाँ पे। तो किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या, सारे तत्वों को देखेंगे हम, काउंट करेंगे, जैसे जिंक की बात की हमने, अगर हम देखें इसमें अभिकारक में, ये अभिकारक मैंने लिखा, ये उत्पाद लिखा, तो जिंक अभिकारक में कितने हैं, एक, उत्पाद में कितने, एक। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
अभिकारक में इस साइड सारे काउंट करने हैं, यहां अगर होता है इधर वो भी और यहां होता वो भी, हाइड्रोजन कितने एक, हाइड्रोजन इस साइड कितने दो, फिर अगर देखें क्लोरीन, क्लोरीन इधर एक इधर कितने दो, तो बराबर नहीं है ये, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। लेकिन अब इसको बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए अब मैंने यहाँ लिख दिया 2HCl। अब देखो अब दोबारा से काउंट कर, जिंक एक एक, हाइड्रोजन इस साइड दो है दो, हाइड्रोजन इस साइड दो परमाणु है, क्लोरीन के इधर दो परमाणु, दो से मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो ये दो से दो ही हाइड्रोजन है दो ही क्लोरीन है, तो यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ Cl2 लिखा तो यहाँ भी दो क्लोरीन है। देखो तो कोई तत्व एक जिंक तत्व है, इसके भी सारे परमाणु बराबर है दोनों साइड, अभिकारकों में भी उत्पाद में भी, हाइड्रोजन कोई तत्व है इसके भी परमाणु समान है, इसमें अभिकारक और उत्पाद में, क्लोरीन इसके भी परमाणु समान है अभिकारक और उत्पादों में, तो इस रासायनिक समीकरण को हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है भाई, तो ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारकों में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आगे देखो, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पेपर में प्रश्न आता है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या फिर दूसरे तरीके से प्रश्न आएगा कि कोई संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, ये ऐसे प्रश्न आता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न ही उसका विनाश होता है, वो संरक्षित रहता है, मतलब जितना रासायनिक अभिक्रिया से पहले होता है उतना ही रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। जैसे मान लो हमने रासायनिक अभिक्रिया करवाई कोई दो चीजों में, हमने ले ली इसमें डाल दिया ए और फिर डाल दिया बी, ए का द्रव्यमान है मान लो 3 ग्राम और बी का द्रव्यमान है मान लो 4 ग्राम, अब दोनों को डाला तो कोई चीज बनी सी प्लस डी, ये बन गए सी प्लस डी, तो इन दोनों में से इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, इन दोनों का द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, और ऐसा ही होता है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों की रीअरेंजमेंट, मतलब तत्वों का आदान प्रदान जरूर हो जाता है, लेकिन उनमें जो परमाणु द्रव्यमान है वो कभी बदलता नहीं है, न ही सूत्र बदलेगा न ही प्रतीक बदलेगा, किसी भी यौगिक का सूत्र नहीं बदलता। तो जैसे दो चीजों के बीच में हमने अभिक्रिया करवाई ए प्लस बी, ये अभिकारक है अभिक्रिया से पहले, इनका कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद जो आएगा सी प्लस डी, इनके कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, या दूसरे रूप में हम कहें इस अभिकारक में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमान उत्पादों में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। कोई तत्व का द्रव्यमान, जैसे अभिक्रिया हमने करवाई थी जिंक प्लस HCl बना ZnCl2 प्लस H2, यहां लिखा दो, अब बैलेंस मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण में मैंने बता दिया कि इस साइड अभिकारकों में जितने परमाणु होते हैं कोई भी तत्व के, सभी तत्वों को देखना हमने, जितने परमाणु होंगे उतने ही उत्पादों में भी होंगे। अब जब तत्व ही समान हो, सॉरी परमाणु ही समान होंगे, तो उनका परमाणु द्रव्यमान भी तो समान ही होगा, वो कैसे बदल जाएगा, जैसे यहाँ दो हाइड्रोजन है और यहाँ दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का इनका द्रव्यमान कितना 2 ग्राम और यहाँ कितना आएगा 2 ग्राम, तो ये कैसे, ये तो नहीं बदल सकता। अब जिंक का जितना परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे है, अब जिंक का उतना ही यहाँ पे है,
दो क्लोरीन यहाँ पे है तो दो क्लोरीन का यहाँ पे भी दो क्लोरीन का ही है, मतलब इनका कुल द्रव्यमान, तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों में तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों में उपस्थित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर ही होगा। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि किसी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है न उसका विनाश होता है, और इस नियम की पालना करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही पड़ेगा। अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं किया तो समझ लो उस अभिक्रिया में कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है भाई, क्योंकि उसने बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा H2 प्लस O2 और बनता है H2O जल। अब देखो यहां हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु आपस में मिले तो जल का एक अणु प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान अगर हम देखें, हम मॉलिक्यूलर मास निकाल ले, आणविक द्रव्यमान अगर हम निकाल ले तो इसका कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो गया। इसका कितना होगा भाई, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 होगा, तो 32 और 2 ये होगा 34 होगा टोटल कुल अभिकारकों का द्रव्यमान। उत्पाद का देखो H2 2 और ऑक्सीजन का कितना 16 तो 18। जबकि उसने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है ना ही विनाश होता है, अब इसमें तो विनाश हो गया। देखो यहाँ 34 ग्राम टोटल है और यहाँ जो निकल के आया वो 18 ग्राम, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए हमें इसको संतुलित करना ही पड़ेगा। देखो ये अभिक्रिया जो होती है ये लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, रॉकेट में प्रयोग की जाती है ये वाली जो अभिक्रिया ये रॉकेट में चलती है, रॉकेट जो ऊपर जाते हैं उसमें जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है वो लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, पानी बनता है, उस साथ में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है बहुत अधिक, इतनी ऊर्जा कि वो रॉकेट को ऊपर उठा देती है। अब ठीक है, तो ये तो मैंने वैसे बता जनरल। अब देखो ये तो बराबर नहीं था, तो ये तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जो उसने बता दिया, जो अभिक्रिया में उसने बोल दिया कि हमने हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ऐसे उसने बोल दिया, तो जो उसने बोला या हमने जो पढ़ के लिख दिया स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण मतलब जो अभी अभी बनकर तैयार हुए नहीं, अब उसमें लिपा पोती बाकी है, मतलब जैसे हमने मकान बना दिया अभी उसने पेंट पंट वगैरह होना बाकी है, तो जो भी उसने कहा हमने उसको देख के उसके प्रतीक लिख दिए, सूत्र लिख दिए, बस अभी उसको संतुलित नहीं किया, तो स्टार्टिंग में जो देख के हमने लिख दिया उसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है भाई, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। कई बार रासायनिक समीकरण को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, कि रासायनिक समीकरण को देख के ही हमें अधिक से अधिक चीज़ों की जानकारी हो जाए, हम इनके साथ कुछ चीज़ें मेंशन कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं, जैसे अभिकारकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था लिख दी जाती है, अभिकारक या उत्पादों के साथ उनकी भौतिक अवस्था लिख दी जाती है, और भौतिक अवस्था और इसके अलावा कंडीशन लिख दी जाती है, मतलब परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में वो अभिक्रिया हुई है वो लिख देते हैं, परिस्थितियां भी लिख देते हैं, परिस्थितियां। ठीक है भाई, और क्या लिख देते हैं, ऊष्मा परिवर्तन लिख देते हैं, ऊष्मा परिवर्तन। ऊष्मा परिवर्तन का मतलब क्या है, कि ऊष्मा उत्सर्जित हुई है या ऊष्मा अवशोषित हुई है, तो ये या फिर हम ये भी लिख देते हैं अवक्षेप, अवक्षेप का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो कोई समीकरण तो हमने लिख दी, जैसे ये समीकरण लिख दी, इस समीकरण से हमें इतना पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े, पानी बना और ऊर्जा निकली। ठीक है, लेकिन
इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इससे और ज्यादा नॉलेज हमें प्राप्त हो सके, तो इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम इसमें जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्था लिखे, कैसे लिखे, जैसे H2 क्या होता है, ये तो हाइड्रोजन तो एक गैस होती है, तो गैस का ब्रैकेट में हम लिख देंगे जी। ठीक, जी से समझ जाएंगे हम कि हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, तो जी लिख देंगे। और पानी H2O, ये तो द्रव अवस्था में है, तो हम इसको लिख देंगे L, लिक्विड। और साथ में ऊर्जा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तो उसको उत्पादों के साथ लिखा जाता है। हो सकता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा प्रयोग होती हो, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया तभी शुरू होगी जब हम उसको ऊर्जा देंगे, तो उस समय ऊर्जा अभिकारकों के साथ लिखी जाती है। तो ये होगी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में दूसरे, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर है, ये होता है ठोस। ठीक, अब इसको गर्म किया हमने, तो इसके ऊपर हमने गर्म करने पर, या तो लिख दो गर्म करने पर, या फिर लिखे उष्मा देने पर, या उष्मा का प्रतीक लिख सकते हैं। देखो ये ऐसे त्रिभुज का निशान इसके ऊपर बना हो सकता है, ये त्रिभुज का निशान, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि उसको उष्मा दी गई है। हो सकता है इसको, इसके ऊपर एक गर्म करने पर ये ना लिखा हो, ऐसे सीधा ही ये ऐसे डेल्टा का निशान इसके ऊपर बना होगा, ये डेल्टा का निशान ऐसे, तो अंडरस्टूड है, ये डेल्टा देखते ही ये समझ जाना कि इसको उष्मा दी गई है। अब ये सॉलिड है CaO, इसमें से जैसे इसको गर्म किया ये निकलेगा, ये भी ठोस है, चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कल हमने मैंने बताया था बिना बुझा हुआ चूना होता है ये, साथ में CO2 गैस निकलती है, तो ये गैस है, तो इसको जी लिख दिया। भौतिक अवस्था हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अभिकारकों और उत्पादों के सामने, ताकि हमें पता चल जाए कि अभिकारकों में ये चीज तो गैस है, ये चीज सॉलिड है। सॉलिड के लिए हम एस लिखते हैं, जैसे ये एस लिख दिया। अगर कोई चीज विलयन के रूप में है, कोई चीज विलयन के रूप में है, तो हम उसके सामने ब्रैकेट में ए क्यों लिख देंगे, एक्वस। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन है हमारे पास, घोल है ये, तो हम इसको ब्रैकेट में ए क्यों लिख देंगे, ए क्यों, 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 एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें हमने डाल दिया आयरन, आयरन कैसे डाला, सॉलिड, तो अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया हुई तो FeSO4 ये बना, ये विलयन ही बना, तो इसको ए क्यों लिखेंगे, और प्लस ये जो कॉपर है ये बाहर निकल जाएगा, ये ठोस के रूप में निकलेगा, तो सॉलिड लिख देंगे। तो ये भौतिक अवस्थाएं हम अभिकारक और उत्पादों के साथ लिख देते हैं, ताकि रासायनिक समीकरण से हमें और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अब आता है उष्मा परिवर्तन। देखो किसी रासायनिक समीकरण में उष्मा उत्सर्जित भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है, तो उसके आधार पे रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होता है उष्मा सेपी अभिक्रिया, एक होता है उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, उष्माशोषी। उष्माशेपी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोयला है, आप लोगों के पास कोयला है, कोयला क्या सॉलिड है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया गैस, तो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में ऊर्जा मुक्त होगी, तो ऊर्जा देखो मुक्त हुई, तो इसलिए इस ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसको बोलते हैं उष्माशेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, या जिस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे इसमें मैंने लिखा है पीछे, इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको उष्मा देनी पड़ेगी, तो तभी यह रासायनिक अभिक्रिया होगी, प्लस CO2 गैस। तो देखो इसमें उष्मा देनी पड़ी है हमें,
तो इसमें ऊष्मा अवशोषित हुई तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हुई है तो ये ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। श्वसन श्वसन एक ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना। जो हम खाना खाते हैं जैसे हमने रोटी खा लिया, दाल खा ली या घी खा लिया, हमें पता है रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में प्रोटीन होता है और घी में वसा होती है। जब कार्बोहाइड्रेट अंदर जाता है तो हमारे अमाशय में मतलब पेट में या छोटी आंत में उसका पाचन होगा और कार्बोहाइड्रेट जो रोटी में होता है वो जटिल होता है, उसके पाचन से सरल पदार्थ निकलता है मतलब ग्लूकोज निकलता है। वो ग्लूकोज हमारे रक्त में पहुंचता है, कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, बनेगा क्या 6CO2 प्लस 6H2O और साथ में क्या निकलेगी ऊर्जा। जितने भी कार्य हम करते हैं जैसे मैं आप लोगों को खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो ऊर्जा शरीर की खर्च हो रही है इस टाइम, तो वो ऊर्जा कहाँ से आई? वो ऊर्जा उस खाने से ही आई जो मैंने खाया। उस खाने का क्या हुआ, पहले वो अमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाके उसका पाचन होगा, उससे ग्लूकोज निकलेगा, उस ग्लूकोज का अवशोषण होगा छोटी आंत में, फिर वो ग्लूकोज रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचेगा, फिर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, ऐसे टूटेगा जैसे मैंने लिख दिया, और साथ में ऊर्जा मुक्त होगी। ये वही ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे द्वारा अपना भोजन का निर्माण करना। हमें पता है कि पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पृथ्वी मिट्टी से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, तो जल ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, बनाएंगे क्या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन निकलती है। ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया बिल्कुल अपोजिट है दोनों, इसमें ग्लूकोज टूटता है श्वसन में, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये प्रकाश संश्लेषण चलती है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, इसके ऊपर लिखा होगा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा इसको चाहिए, ये अवशोषित करेगा ऊर्जा को, तब जाके ये अभिक्रिया होगी। तो बैलेंस करोगे इसको तो ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ साथ में तुम्हें ऊर्जा ऐसे भी लिख सकते हो, साथ में प्लस ऊर्जा, फिर ये नहीं लिखना। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसमें तो ऊर्जा अभिकारकों के साथ लिखी जाती है, जैसे इसमें अवशोषित हुई तो एक अभिकारक ए और बी ये तब जुड़ेंगे जब ऊर्जा मिलेगी, तो यहाँ ऊर्जा ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है, तब उत्पाद बनेगा। और जिनमें ऊर्जा मुक्त होगी उनको उत्पादों के साथ ऊर्जा लिखनी पड़ेगी जैसे ये लिखी है। तो ये थी ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है भाई। परिस्थितियों इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज अभिक्रियाएं हैं जो एक खास परिस्थिति में ही होती है, तो फिर वो हमें उनके ऊपर तीर के निशान के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि ये अभिक्रिया इस परिस्थिति में होती है। जैसे हम उदाहरण लेके चले, एक पोटासियम क्लोरेट KClO3 ये है पोटासियम क्लोरेट, सॉलिड है, ये गर्म करने से टूटता है और इसको तोड़ने के लिए एक उत्प्रेरक डालना पड़ता है। उत्प्रेरक क्या होता है? देखो उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देगा, वो खुद रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग नहीं होता, यूज नहीं होता उसमें, वो बाद में उत्पाद के साथ यूं का यूं मिल जाएगा, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देगा। तो ये जो पोटासियम क्लोरेट है ये गर्म करने से टूटता है, मैंने इसके ऊपर डेल्टा लिख दिया, डेल्टा अंडरस्टूड है कि इसको उष्मा दी गई है और इसमें जो उत्प्रेरक इस्तेमाल होगा वो उत्प्रेरक का सूत्र या प्रतीक हमें लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें मैग्नीज ऑक्साइड का प्रयोग हुआ, MnO2 का प्रयोग हुआ, मैग्नीज ऑक्साइड का प्रयोग हुआ उत्प्रेरक के रूप में, जिसने इसके टूटने को तेज कर दिया और इसमें से क्या निकला, पोटासियम क्लोराइड KCl सॉलिड प्लस ऑक्सीजन। देखो
जो उसने बोला वही लिख दिया, तो एक अंक खाली रासायनिक अभिक्रिया है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करोगे तो टू यहाँ पे आएगा, थ्री और टू, ये ऐसे तो संतुलित रासायनिक समीकरण है ये। अब लेकिन एक बात याद, अभी संतुलित कैसे करते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगा, फिलहाल के लिए अभी देख लेते हैं। एक और रासायनिक अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है। देखो सी कैपिटल ओ भी कैपिटल तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी कैपिटल और ओ स्मॉल है तो एक ओवाल बन जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा। तो सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन भी गैस है, तो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। लेकिन ये अभिक्रिया ऐसे ही नहीं करते, इन दोनों को अभिक्रिया करवाने के लिए बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, कितना, 300 एटमोस्फियरिक प्रेशर डालना पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब को एटमोस्फियर में मापते हैं, तो ये 300 एटमोस्फियरिक प्रेशर ये डालना पड़ेगा, और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको चाहिए तब ये अभिक्रिया होगी। और उत्प्रेरक भी चाहिए, कौन सा, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड दोनों का एक मिक्सचर इसको चाहिए, तब ये रिएक्शन तेजी से हो सकती है। तो इन दोनों के जुड़ने से बनता है मिथेनॉल, बन जाएगा CH3OH, ठीक है, मिथेनॉल, ये बात याद रखना। तो ये जो लिखी है ये परिस्थितियां हैं, कंडीशन है जिनमें ये रिएक्शन हो सकती है, तो ये इसके ऊपर मेंशन कर दी। तो अगर हम ये समीकरण को देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया इन इन परिस्थितियों में होगी। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया जिस परिस्थिति में होती है वो हम उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं। तो ये था भाई रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। कल मैंने एक समीकरण लिखी थी कि उसमें मैंने अमोनिया बोला कि इसमें अमोनिया बनेगा और सूत्र लिख दिया NH2। अमोनिया का सूत्र NH2 नहीं होता, NH3 होता है, ठीक है, ये देख लेना भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।